ब्लैक फंगस अब खतरनाक होता जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों में ही अब तक ब्लैक फंगस के 9,320 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 235 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 5,000 मामले तो अकेले गुजरात में ही सामने आए हैं। इस संक्रमण के चलते कुछ मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ रही है। ब्लैक फंगस को हरियाणा ने सबसे पहले महामारी घोषित किया था, उसके बाद राजस्थान ने भी इस संक्रमण को महामारी एक्ट में शामिल कर लिया। सरकार ने भी सभी राज्यों से कहा है कि ब्लैक फंगस को पैनेडेमिक एक्ट के तहत नोटिफाई किया जाए। इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है। अब इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? We have a large number of people who have diabetes. Many of them have diabetes where the control is very poor. So uncontrolled diabetes with COVID-19 can also predispose to development of mucormycosis. अब सवाल ये है कि इसे कैसे बचें? दवाइयों के सही इस्तेमाल से ही इसे बचा जा सकता है, तो ऐसे में खुद डॉक्टर बनने से हर एक को बचना होगा, खास तौर पर कोरोना जैसी इस महामारी में। तमाम खबरों और जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर ऐप। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।